सभी को नमस्कार प्रणाम। और आज बहुत दिन बाद ये मौका मिला है कि मैं अपने गांव में हूँ, और ये बहुत छोटा सा गांव, मात्र 10-11 घर हैं, लेकिन इतना आपस में सामंजस्य है, लोगों का इतना स्नेह है एक साथ कि यहाँ नहीं कुछ होते हुए भर में भी लोगों के सहयोग से, उनके प्यार से आज मैं दर्शन कराने जा रहा हूँ, बड़ा ही मेसमराइजिंग होगा। और ये नालंदा जिला में परबलपुर के निकट, बिहार शरीफ से जैसे ही आप आते हैं तो परबलपुर के निकट ही एक छोटा सा गांव, जिसका ये बसंतपुर है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो छोटे मोटे बहुत सारे गांव मिलेंगे, और यहाँ कम से कम 12 राजपूतों का गांव है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं, मतलब छोटे मोटे 12 राजपूतों का गांव है, और बहुत सारे गांव अगल बगल में हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि ये जो मेरा छोटा सा गांव है, बड़ा ही फेमस, और एक मतलब लोगों के सहयोग से और उनके दानशीलता से एक बहुत ही भव्य मंदिर का निर्माण यहाँ पे हुआ है। और मैं दर्शन कराना चाहूँगा उस मंदिर का, और यहाँ पे कुछ अपने लोग मिलेंगे जो कि देख रेख कर रहे हैं मंदिर का, उनसे भी मैं बात कराऊँगा। और सबसे पहले मैं आपको यहाँ का जो पंडाल बना है उसका दर्शन कराऊँगा यशवंत सिंह कैमरामैन के साथ, और ये दिखाएंगे, पहले दर्शन कराएंगे पंडाल का। और जैसा कि ये देख रहे हैं, मात्र 11-12 घरों का ये गांव है, और इतने सारे व्यवस्था किए हुए हैं। तो ये केवल गांव का ही व्यवस्था नहीं है, बल्कि अगल बगल वालों का भी इतना लगाव है इस गांव से कि वो खुद ब खुद आते हैं और यहाँ अपना सब कुछ देना चाहते हैं वो, चाहे अब जिस तरीके से हो, उनका फिजिकल वर्क हो या उनका इकोनॉमिकल जो सहयोग हो, ये सब कुछ यहाँ पे करते हैं। ये पंडाल था मंदिर के बगल में ही, और मैं आपको अभी ले चलूँगा वो भव्य मंदिर जो कि यहाँ पे निर्माण किया गया है, और ऊपर में कुछ लोग मिलेंगे, मैं उनसे बात कराऊंगा। सर यशवंत सिंह, और आप देख सकते हैं आज 10वीं है, और इतना यहाँ पे रश था, इतना भीड़ था कि पूरा मंदिर परिसर गंदा हो चुका था, लेकिन ये अपने लोगों का सहयोग, जो कि यहाँ पे छोटे मोटे स्टॉल भी लगाए हैं, और उसको इस तरीके से सुबह उठ करके ही इसकी साफ सफाई पे ध्यान दिया गया। और मैं दिखाना चाहूँगा कि एक व्यक्ति जो कि लगे हुए हैं माँ के सेवा में, उनसे मैं मिलाना चाहूँगा, और ये व्यक्ति कोई मामूली नहीं, मैं उनका जब विवरण दूंगा तो आप लोग खुद ब खुद कहिएगा कि किस तरीके से लोग यहाँ एक दूसरे का मदद करते हैं और मंदिर का देख रेख करते हैं। हाँ सर, थोड़ा सा इधर आएंगे, ये हमारे अनिल अंकल हैं, और ये बहुत सुबह से ही यहाँ पे लगे हुए हैं, और ये कौन है मैं बताऊंगा। जैसा कि आप लोग कहा करते हैं कि सर माघी बुआज आपका भाई है, तो मैं बताऊंगा कि वही माघी बुआज के ही अंकल हैं, और माघी बुआज अपने शूटिंग में बिजी है, इसके कारण यहाँ पे वो नहीं दिख पाया है। तो आप इस मंदिर के बारे में क्या कहना चाहेंगे अनिल अंकल, थोड़ा सा नजदीक आएंगे, थोड़ा सा नजदीक आएंगे गवर्नर मैन।
माँ के दरबार है तो इसको मैं क्या कहना है। आप किस श्रद्धा भाव से यहाँ काम कर रहे हैं, मतलब आपके गांव में ये मंदिर बना तो आपको किस तरह की खुशी मिलती है इसे देखकर? अरे इससे बड़ा कोई खुशी नहीं है गांव का भाई। हाँ हाँ, इसमें आज तक जो जो मांगा उसको मिल रहा है, क्यों नहीं। और ये सुबह से ही मतलब तन मन धन से लगे हुए, सुबह से ही क्या, जो आपका 6-7 दिन पार किया पूरे दिन खटे हैं और इन्हीं लोगों का सहयोग है कि आज इतने सुंदर जगह यहाँ पे बन गया है। और ये मैं बताना चाहूँगा कि ये जमीन जहाँ मंदिर बना हुआ है, ये जो अनिल अंकल है इन्हीं का देन है और इन्हीं लोगों ने ही कंट्रीब्यूट करके इस जगह पे मंदिर को स्थापित किया है और बहुत ही अच्छे तरीके से देख रेख भी करते रहे हैं। तो आप गांव वासियों को क्या कहना चाहेंगे? अरे गांव वासियों का सब सहयोग होना चाहिए, और क्या कहेंगे। और गांव वासी सब सहयोग कर ही रहे हैं, सब लगे हुए हैं, जो भी काम हम लोग है अपने करते हैं, कोई जन मजदूर नहीं लगाते। हाँ नहीं, अपना मेहनत करते हैं। हाँ वो तो है। तो इस तरीके से इन्होंने कहा कि किस तरीके से सक्रिय आपने आपको मतलब पूरी तरह से न्यौछावर कर दिए हैं भगवत भजन और या पूरी तरह से मंदिर का रख रखाव में। थैंक यू। बात लोग में ये नहीं है कि वो नहीं कर रहा था, हम नहीं करेंगे, जिसको जैसा श्रद्धा वो करते रहता है। बहुत अच्छा। तो इस तरीके से आपने देखा, मैं मिलाया अभी अनिल अंकल से, एक मामा से मिलाना चाहूंगा यहाँ के वासी नहीं होते हुए भर में भी, वो किस तरीके से यहाँ पे वो अपना योगदान दे रहे हैं। 10 दिन से वो योगदान दे रहे हैं, माने फर्स्ट दिन से। हाँ है ही। अब उनको क्या श्रद्धा पूरा हुआ है वो जाने, लेकिन उनको पूरा हुआ है तो लगे हुए हैं, और जो अभी तक इस मंदिर में जो मांगा है वो खाली नहीं दिया है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, मतलब देवी माँ का मंदिर है ये। तो मैं थैंक यू अंकल। अब मैं बात कराना चाहूंगा ये मामा जी से। ये हैं हमारे मामा जी जो कि लगे हुए हैं, मतलब अभी कहा गया अंकल के द्वारा कि 6-7 दिनों से यहाँ पे लगे हुए हैं। क्या श्रद्धा है मामा आपको इस मंदिर से? मंदिर से श्रद्धा है, हम जमुई निवासी, गब्बर सिंह मेरा नाम हुआ, हमारे बहनोई घर है यहाँ, और इस वर्ष में आगे वर्ष भी हम नवरात्रा के शुभ अवसर पे कलश स्थापना यहाँ किए। कलश स्थापना से कलश विसर्जन तक हमने सिर्फ नींबू पानी पे ही रहे हैं, नींबू पानी पे रहते हुए माता का व्रत किए, माता का आस्था हम लगा हुआ श्रद्धा पूरा किए हैं, इसी भाव भक्ति से लगे रहते हैं। हाँ बहुत ही अच्छा। और इस तरीके से ये भाव भक्ति कैसे जागा आपको इस मंदिर से? भाव भक्ति माता की शक्ति से जागा। तो मतलब कुछ स्पेशल आपको यहाँ से मिला? हमको ऐसा संतुष्टि महसूस हुआ कि माता में ताकत है, शक्ति है इस दरबार में, जो कि यहाँ का पूजन समारोह से, समाज से और मंदिर से ऐसा अवगत हुए कि नहीं, देवी में शक्ति अटूट है, और इस अटूट शक्ति के चलते हम लोग यहाँ आकर के श्रद्धा भाव से भक्ति निभाते हैं। शक्ति तो देना माता का काम है। बहुत ही अच्छा। तो अभी सुना भक्ति और शक्ति की बात, तो मैं बताना चाहूंगा कि ये मामा जी थे और ये दूसरे गांव से, मेरे गांव से बिलोंग नहीं करते, फिर भी उनको इतना भक्ति और शक्ति यहाँ पे मिलती है। तो हम गांव वासियों, थोड़ा सा मामा जी, गांव वासियों को आप क्या कहना चाहेंगे, ये ग्राम वासियों को क्या कहना चाहेंगे आप? ग्राम वासियों को मैं कहना चाहूंगा कि बहुत सौभाग्य की बात है जिस गाँव की धरती पे ऐसे माता का स्थापना हो जो हर ग्रामीण को, हर युवा को आगे बढ़ने का आशीर्वाद देते हैं। और मैं गांव वालों से निवेदन करूंगा, कथा शक्ति जहां तक शक्ति हो, इनसे बड़ा कोई भक्ति नहीं है, और इतना जिनको श्रद्धा शक्ति हो वो अपना इसमें अर्पण करे, असल कल्याण का चीज ही है। चलिए थैंक यू बात करने के लिए मामा जी। और मैं इधर अब दिखाऊंगा मैं आपको ये भव्य दुर्गा जी का प्रतिमा, और कुछ लेडी देखेंगे यहाँ पे पूजा कर रही है, और बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे लोगों का योगदान रहा, और यही कारण है। अब मैं बताना चाहूँगा कि मेरा गांव बहुत ही पिछड़ा हुआ करता था, यहाँ रोड लाइट बत्ती कुछ नहीं था, लेकिन आज लोगों के योगदान से ही बत्ती की क्या बात करें, तो मेरे गांव से 10-20 रोड निकल चुके हैं। अब जहाँ भी आप जाना चाहते हैं, गया जाना चाहते हैं, राजगीर जाना चाहते हैं, नालंदा जाना चाहते हैं, माता ने बनवाया है। हाँ, ये मंदिर इनका कहना है कि हम लोगों ने नहीं बनवाया, ये माता का ही देन है कि इस मंदिर को बनाया गया है। और मैं कुछ मिलाना चाहूंगा मेरे दुकानदार जो कि वो लगाए हुए स्टॉल अपने दुकानों पे, मतलब रोड पे, और उनका क्या कहना है इसके बारे में। और यहाँ आपने इस मंदिर को देखा, और बढ़ते हैं उन लोगों के पास।
हाँ, तो आपने अभी बात किया मंदिर के दो लोगों से जो कि बहुत ही मतलब तन मन धन से लगे हुए थे। अब मैं मिलाना चाहूंगा कुछ और ग्रामवासियों से और ये मतलब बात करेंगे कि उनका क्या श्रद्धा है इस मंदिर के प्रति। हाँ, तो आप देखेंगे कि एक व्यक्ति जो कि क्लिक कर रहे हैं, वो पिक ले रहे हैं देवी माँ का। मैं उनसे मिलना चाहूंगा जी। हाँ, तो ये हमारे गांव के मतलब बहुत ही मानिंद व्यक्ति, अभी कम उम्र है लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से गांव के लिए ये श्रद्धा रखते हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा सर, आप इस मंदिर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये मंदिर देखकर बहुत खूबसूरत लगता है, हम सबको बहुत अच्छा लगता है इसमें काम करने का, बहुत इंटरेस्ट से काम करते हैं। जब दशहरा का माहौल आता है तो बहुत उत्सव नज़र आता है, बहुत खुशी से हम लोग 10 दिन 15 दिन माता का सेवा करने में लगे रहते हैं। अच्छा, सभी गांव जवार आते हैं, सभी खुश हो जाते हैं देखकर, बहुत सब अच्छे से देखभाल कर रहे हैं मंदिर को। बहुत अच्छा। तो बताएगी क्या आप इस मंदिर के मतलब मंदिर जो यहाँ पे बना है ना, इसकी कुछ कहानी, किस तरीके से इसका जीर्णोद्धार हुआ, यहाँ पे किस तरीके से ये बना? यहाँ पे सबको मंदिर, एक भी मंदिर नज़र नहीं आ रहा था, सबको पूजा करने के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ रहा था, इसीलिए सबको इच्छा था, माता को मन था कि यहाँ एक अच्छा सा मंदिर बने। सब दूर दूर के लोग यहाँ पे आए, जितना हम लोग दूर दूर जा चुके हैं सब लोग यहाँ पे आने की कोशिश करें माता से दर्शन करने के लिए, इसीलिए हम मंदिर का निर्माण हुआ। मतलब एक सपना था कि हम लोग बहुत दूर जाते हैं, मेला घूमने जाते हैं या जो भी हो, तो एक मंदिर का दरबार यहाँ, जैसे शादी समारोह भी होता था, मुझे भी पता है, हम लोग दूर जाते थे पूजा करने के लिए, ठीक है। इसलिए क्या है कि लोगों का एक मन हुआ कि यहीं पे सब पूजा करें, दर्शन करें, मेला लगे। हाँ, एक सुंदर सा भव्य माहौल बने और आज आप देख सकते हैं यहाँ माहौल बन चुका है। और इस तरीके से थैंक यू बात करने के लिए। और मैं कुछ मिलाना चाहूंगा, बहुत सारे स्टॉल भी लगे हुए हैं छोटे से गांव में, और उन लोगों से मिलाना चाहूंगा। ये ग्रामवासियों की बात थी, गांव वाले लोग तो बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। अब मैं देखना चाहूंगा कि कुछ बाजार लगाए हुए लोग हैं, और उन बाजार वाले लोगों से बात करना चाहूंगा। सर, किस तरह से आपको क्या लग रहा है यहाँ पे, और ये जो आप यहाँ पे बैठे हुए हैं तो क्या आपको इससे कुछ बेनिफिट है? हाँ, तो ये कि यहाँ पे हैं, ये बहुत सारे फ्रूट्स फल लेकर बैठे हुए हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुनील राम हुआ सर। ये सुनील राम जी है, कहाँ से हैं सर आप? नोहसा मठ से हैं। ये नोहसा मठ से हैं। आपने जो इस तरीके से ये लगाया है बाजार, तो फल इतना ही थे या बहुत सारे फल थे आपके पास? हाँ, फल तो बहुत सारा थे। बहुत सारे थे, बिके हैं? बिके हैं, और भी बिकेंगे। यस, बढ़िया। आप बताइए कि क्या फ्यूचर क्या देखते हैं, जैसे कुछ दिनों से ये चल रहा है और बहुत ही स्टॉल धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। हाँ। फ्यूचर क्या है इसका, मतलब भविष्य में क्या होने वाला है? भविष्य तो बहुत अच्छा होगा। हाँ? बात नहीं है, जब से यहाँ पर ही दुर्गा पूजा जब होता था फर्स्ट में, उसी समय मकुंदाना हम ला करके यहाँ पर ही बेचते थे, और नारियल। हाँ। तो हमारा उस समय में अच्छी इनकम हो जाती थी। इनकम हो जाती थी, लेकिन अभी थोड़ा ये लॉकडाउन के चलते ऐसा है कि देखिए, तो मैं बताना चाहूंगा कि लॉकडाउन सभी को मारा है, भले ही किसी तरह का बिजनेस हो लोगों का, लॉकडाउन के मारे हुए सारे लोग हैं, लेकिन आप अभी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पर अभी अच्छा लग रहा है। सुबह मतलब आपको देखे कि आप दूसरे गांव के हैं, मतलब मेरे इलाके के हैं, यहाँ आने के बाद आपको मैं बानी वानी झाड़ू दाड़ू देते देखा था, ये क्या श्रद्धा है आप में? तो मेरा श्रद्धा था कि माता भगवती के पास में हम सेवा थोड़ा कर रहे, पानी उनी छीट दे तो बहुत अच्छा है। मतलब श्रद्धा है, श्रद्धा है, धूल उल पड़ता है माता भगवती के हाथ में, तो हम सोचे कि पूरा अपना पानी उनी खा के। थैंक यू सर बात करने के लिए, और इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे मेला लगाते रहें, और लोग जो अगल बगल के इलाके के हैं सारा लोग यहाँ जुटे, धन्यवाद। तो अभी मैंने आपको एक फल विक्रेता से मिलाया, बड़े खुश थे कि यहाँ के मंदिर बनने के बाद हम लोगों का कुछ रोजी रोटी हो गया है, और ये 6-7 दिनों तक उनका कुछ न कुछ इनकम होता रहता है, इसलिए बड़े खुश हैं लोग, और ये सारा श्रेय जाता है पूरे इलाके वाले को, और मेन कहेंगे तो गांव वाले, हमारे गांव वाले का इंटरेस्ट एक उनमें इस तरह का श्रद्धा था कि यहाँ एक मंदिर बनना चाहिए, और मंदिर बना, और इसमें बहुत ही अच्छा योगदान रहा है। हमारे एक अंकल हैं जिनका नाम राम कुमार सिंह है, और उनका ये सोच हमेशा था कि हमारे गांव में मेला लगे, और उन्होंने इस तरह से व्यवस्थित कर दिया कि आज देखने को मिल रहा है, और बहुत सारे लोग इलाके से जुड़ते हैं यहाँ पे।
तो ये फल विक्रेता थे। अब मैं बात कराना चाहूँगा एक मिठाई बनाने वाले, और ये बहुत पहले से यहाँ रहते हैं, लेकिन आज भी इन्होंने अपने दुकान को उसी तरह से सजाया है। अभी बर्तन खाली मिलेंगे क्योंकि सुबह है, और ये पूरी तरह से 10 बजे तक के पूरा फुल कर देंगे। और मैं स्पाउस यानी पति पत्नी दोनों यहाँ पे हैं, उनसे मैं बात करूँगा। जी हाँ सर, खड़े हो जाए। क्या नाम है आपका? कारू। ये कारू जी है, नजदीक आइए थोड़ा सा, आप भी आइए मैडम। ये कारू जी है पति पत्नी, और बहुत दिनों से यहाँ पे स्टॉल लगाए हुए हैं, और ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, यहाँ से इनको इनकम है, इसके कारण ही यहाँ जमे हुए हैं। कारू जी कैसी रही बिजनेस आपकी? ठीक है, बहुत अच्छा है। आप क्या क्या बनाते हैं सर? लड्डू, खाजा, बाजा, बसाहे, सोना, रसगुल्ला सब बनाते हैं। इसके अलावा भी कहीं दुकान है आपका? नर्सिंग करते हैं, पार्टी में काम करते हैं। अच्छा, ये पार्टी में काम करते हैं, शादी समारोह हो, कोई पार्टी हो तो उसमें जा करके ये मिठाई बनाते हैं। और क्या सर यहाँ से कुछ इनकम दिखता है आपको? इनकम तो है। इनकम है, अच्छा, इसीलिए यहाँ पे काम कर रहे हैं आप, है ना? कहाँ आपका गांव कहाँ हुआ सर? आत्मा मठ। ये आत्मा मठ जो कि हमारे गांव से 2-4 किलोमीटर के दूरी पे पड़ता है, वहाँ से आकर के ये छोटे से स्टॉल लगाए हैं, और इनकी बहुत अच्छी बिक्री हो जाती है, और एक इंटीमेट रिलेशनशिप है इनका मतलब गांव वासियों से, इसलिए क्या है कि एक दिन नहीं मलका रेगुलर इनका दुकान यहाँ पे सजा रहता है। और मैं इनके मैडम से मिलाना चाहूँगा, ये हैं, नाम क्या है मैम आपका? मुकुल कुमारी देवी। हाँ, तो ये क्या मुकुल कुमारी? मुकुल कुमारी देवी हैं। और आप अपने पति का सहयोग किस तरीके से करती है इस दुकान में? आप क्या क्या कर लेती हैं यहाँ पे? सिंघाड़ा, जिलेबी, गाजा जैसा बना लेती। बारे वाह, सिंघाड़ा, जिलेबी, गाजा सब कुछ ये बना लेती हैं, यानी ये क्वालिटी है इनमें, और इस तरीके से ये अपने पति का मदद करते हैं। इसलिए मैं सारे पत्नियों को या जितने भी लेडीज हैं उनको कहूंगा कि अपने पति का साथ दे, यानी कहा जाता है कि एक सक्सेसफुल पति के पीछे उसके पत्नी का हाथ होता है, और ये दिखा दिए कि हम अपने पति का साथ देते हैं, लड्डू गाजा सब कुछ तैयार करते हैं खुद ब खुद। थैंक यू मैम बात करने के लिए। हाँ, तो यहाँ अभी मैंने आपको मिठाई वाले से मिलाया, और इस तरीके से बहुत सारे स्टॉल सजे हुए हैं छोटे मोटे, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आप लोगों को, और एक व्यक्ति से मिलाना चाहूंगा जो कि पूरे यहाँ पे क्या है कि कॉस्मेटिक्स और आईने कंघी यानी जो भी लिपस्टिक होता है लेडीज का सारा सामान ये रख कर बैठे हुए हैं, और मैं इनसे बात करना चाहूंगा। यस, ये बीजी है। सर क्या नाम है आपका? तेज बोलेंगे थोड़ा सा। अनिल कुमार गोस्वामी। ये अनिल कुमार जी हैं, और सर क्या बेचते हैं आप? अच्छा, मतलब इसके अलावा भी कहीं दुकान है आपके? रामगंज। अच्छा, रामगंज जो कि मेरे गांव से 2-4 किलोमीटर के दूरी पे पड़ता है, और वहां से आकर ये दुकान लगाए हैं। क्या सर कोई इनकम बुझा रहा है आपको? कुछ नहीं, घाटा आधा भी। लॉकडाउन का असर क्या है? लॉकडाउन का असर बहुत है। लॉकडाउन मतलब रोजी रोटी को मार डाला है ना, लेकिन यहाँ आने के बाद कुछ इनकम हो रहा है, यानी धीरे धीरे आप बढ़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट को आप कहना चाहेंगे कि सर अब लॉकडाउन मत लगाइएगा, यही ना कहना चाहेंगे आप? लॉकडाउन नहीं लगा तो हम फिर से मतलब उसी स्थिति में आ सकते हैं। और ये अनिल कुमार के मैडम है, ये भी इनका साथ देती है। लेडीज का मैं बहुत ही पक्षधर हूँ, क्योंकि लेडीज ही बहुत यानी माता जगजननी जो भी कहें, वो देवी का आज पूजा है, इसके अवसर पे मैं लेडीजों का बहुत ही कदर करना चाहूंगा और इनसे बात करूंगा। मैडम आप किस तरीके से अपने पति का मदद करती हैं? क्या करती हैं आप इनके साथ? दुकानदारी। दुकानदारी मतलब जो भी सामान देना लेना हो आप बैक सपोर्ट हैं, है ना? बैक सपोर्ट देती हैं। तो यहाँ पे मैंने 2-3 लेडी से भी मिलाया, वो किस तरीके से बैक सपोर्ट देती है अपने लोगों को ये बताया गया। आपको कैसा लग रहा है इस मेले में? अच्छा लग रहा है। चलिए यहाँ से कुछ इनकम हो रही है? आपके बाल बच्चे यहाँ नहीं हैं? सब घर पे? चलिए, बाल बच्चे बड़े बड़े हैं आपके? अच्छा, छोटा छोटा है लेकिन घर पे हैं। और इस तरीके से आप अपने हस्बैंड यानी अपने पति का मदद करती हैं, तो थैंक यू बात करने के लिए। तो इस तरीके से आपने देखा कि एक छोटे मोटे जगह को भी किस तरीके से सुंदर बनाया जाता है और किस तरीके से सजाया जाता है। यदि आपसी सहयोग रहे, आपस में लोग एक दूसरे से अच्छा संबंध रखे, तो छोटे मोटे जगह को भी सुंदर बनाया जा सकता है। कैमरा मैन नजदीक आगे थोड़ा, छोटे मोटे जगह को भी सुंदर बनाया जा सकता है। और इस तरीके से कि एग्जाम्पल ये बसंतपुर छोटा सा गांव उसका एग्जाम्पल है कि किस तरीके से लोगों के सहयोग से एक सुंदर सा यहाँ पे मंदिर बनाया गया, और लोग किस तरीके से इस मंदिर के प्रति श्रद्धा रखते हैं, इसे आपने जाना।
और ये देखेंगे छोटी बेटी मेरी आ गई है बगल में, दूध पी, रोड पे भी दूध पीती है। और इस तरीके से मैं बताना चाहूँगा कि आपको इसी तरह से जो अगल बगल के छोटे मोटे जो प्रसिद्ध स्थान है मैं उनसे रूबरू कराता रहूँगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।